समाज प्रिय सज्जनों तथा देवियों, साधना के विषय में कुछ विचार आते हैं लोगों के। वे बताते हैं कि हमें हमारे गुरु ने नाद पर ध्यान करने को कहा, कोई ज्योति पर कहा, कोई बिंदु पर कहा, और वो सब करता रहा। लेकिन जब पारखी संत मिले और आपकी पुस्तकें पढ़ी तो हमें सही दिशा मिली, लेकिन ध्यान के विषय में और ठीक से बताइए। इस भीड़ में एक जिज्ञास ने मुझसे पूछा, उन्होंने पत्र दिया, पत्र तो पीछे पड़ पाया। उनसे कहा, भाई खाली समय में आओ तो ज्यादा बातचीत हो सकती है, भीड़ में तो मिलना जुलना होता है और सभा में होती है जो कुछ बातें, उसको सुनो। जब लोग हमारे पास मिलने जाते हैं, मैं सबसे कुशल तो पूछ ही नहीं सकता हूँ, इतनी भीड़ रहती है किससे पूछो। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से कुशल न पूछो तो कोई आप नाखुश न होंगे। भाई फुर्सतें नहीं रहती, किससे पूछो, किस किस से पूछो। इसलिए इतना तो करुणा रखना सब हमारे ऊपर, कोई नाखुश न हो जाना। सभा में जो विचार दिए जाते हैं उसको जितना संभव पकड़ें। पुस्तकें हर प्रकार की हैं, उन्हें रखिए और पढ़िए। तंबाकू खाने वाले मजदूर भी महीने में 150 का तंबाकू खा जाते हैं, मजदूर। अगर आप शौक रखें सदग्रंथों का और हर साल कुछ सदग्रंथ खरीदते रहें तो थोड़े दिन में आपके पास स्टॉक हो जाएगा पूरा। और खूब पढ़ाएं, अध्ययन से बड़ा लाभ होगा, और जो कसर हो वो फिर समय से पूछें। साधना का जो पक्ष है, एक होता है आलंबन और एक होता है निरालंब। पहले आलंबन से साधना की जाती है, तब निरालंब की दशा आती है। जिस गुरु ने ज्योति में ध्यान करना बताया हो बुरा नहीं, नाद को बताया हो बुरा नहीं, बिंदु को बताया हो बुरा नहीं, किसी महापुरुष के चित्र में ध्यान करो ये भी बुरा नहीं है। मेरी एक छोटी पुस्तक है ध्यान क्या है, उसको आप पढ़ें तो उसमें भी ये सब बताई गई हैं बातें। साकार योग, दृष्टि योग, नाद योग, बिंदु योग, ये सब स्वर योग, ये सब बताया गया है। साकार योग का अर्थ मैंने ये माना है कि किसी महापुरुष का चित्र अपने मन में लेकर के उसमें चित्त को एकाग्र करना। और दृष्टि योग, आंखें बंद किए और बंद आंखों में अंधकार, प्रकाश, ज्योत, बदलते रंग, जो दिखाई दे उसमें मन निग्रहित करना। बिंदु योग, एक चमकता हुआ गोल गोल बिंदु त्रिकुटी में, त्रिकुटी कहते हैं दोनों भौहों के बीच और नाक के ऊपर। त्रिकुटी में एक बिंदु की कल्पना करें, या कंठ में, या हृदय में, या नाभि में, कहीं भी, और वहां मन ठहराइए। स्वर योग, सांस आती है जाती है अपने आप, और उस सांस पर मन ठहराइए और कुछ न सोचिए, केवल सांस पर मन ठहराइए। नाद योग, दोनों कानों में उंगलियां डाल लें और जो ध्वनि सुनाई देती है उसी में मन को लीन करें, ये नाद योग। ये सब क्रिया योग कहलाते हैं। जो क्रिया योग में सहायक है उसको क्रिया योग कहते हैं। और ये सब
योग समाधि के लिए उपयुक्त है, आरंभिक साधना के लिए, इसलिए गलत नहीं है। गलत वहां हो जाता है कि इसी को परम लक्ष्य बता दिए, कहे भगवान के दर्शन तुम चाहते हो, बिल्कुल करवा दोगे, हमारे गुरुजी के पास चलो, गुरुजी कहे मंत्र दिए और गुरुजी शिष्य की आंखों पर उंगली लगाए, थोड़ा सा दबा दिए कि ध्यान करो, गर्मी आई कि देखो परमात्मा के दर्शन हुए ना, वो जो ज्योति हो परमात्मा है, कान बंद करो, बंद की गनगनाहट किया, देखो ये ब्रह्म ध्वनि है, ब्रह्म के दर्शन हो गए ना। तो ये सब अज्ञान है, दूसरे को भी भटकाना है, अपना भी भटकना है। किसी महापुरुष का चित्र कागज और रंग है, कागज और रंग के आधार पर महापुरुष की आकृति चित्रित की जाती है और उससे उस महापुरुष की याद आती है। आंखें बंद करने पर जो ज्योति दिखाई देती है वो आंख की गर्मी है, वो कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। ज्योति को आप देखते हैं, ज्योति आपको नहीं देखती है, ज्योति जड़ है, आप चेतन है। नाद सुनते हैं, नाद जड़ है, हवा का अंश है, आप उसके श्रोता हैं। बिंदु देखते हैं, बिंदु भी दृश्य है, आप दृष्टा हैं। स्वर सांस आती जाती है, सांस हवा है, जड़ है, आप चेतन है, उसकी दृष्टा है। इसलिए ज्योति नाद बिंदु सांस किसी महापुरुष का चित्र ये सब जड़ है, इसके आप ज्ञाता हैं, जानने वाले, आप श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये तो मन ठहराने के लिए सात्विक खिलौने, कमाने कबूतर खमाने खरगोश, ये बच्चों को सिखाया जाता है, सीधे उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। कबूतर बना है बढ़िया बढ़िया, बच्चे को दिखाया गया, खुश हो गया बच्चा, कहा गया देखो बच्चा कमाने कबूतर, कबूतर तो कबूतर में का है पहले, इसलिए कबूतर की याद करना, तो पहला अक्षर जो होगा वही वर्णमालक पहला अक्षर है कबूतर, कमाने कबूतर, खमाने खरगोश, ये बच्चों को समझाने के लिए पढ़ाया जाता है, छापा जाता है, पहली पोथी में रहता है। लेकिन आगे वो बच्चे नहीं पढ़ते उसको, आगे तो मिलावट पढ़ते हैं, फिर संधि मात्रा सब जोड़ करके पढ़ते हैं, फिर तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, तब तो कमाने कबूतर कौन कहता है। इसलिए आरंभिक साधना के लिए ये सब गलत नहीं है, गलत वहां है जो उसी में अर्जा दिया जाता है और कहा जाता है यही पूर्ति है, यही परम है, और साधकों का भटकाव हो जाता है। स्वरूप ज्ञान के विषय में जोर कम है लोगों का, क्योंकि स्वरूप ज्ञान सूक्ष्म विषय है, आत्मा का विषय है, और सूक्ष्म विषय में लोग जाना नहीं चाहते हैं। सस्ता सौदा दो और ज्यादा दल बढ़े, भगवान भवानी कुछ कह दिए और कह दिए जो देखे तो भगवान को देख लिए, सांस है तो भगवान है, तो नाद सुने तो भगवान है, भगवान शब्द तो बड़ा प्यारा है, कह दिए बस बोला दिए हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, और ऐसे भटकते भटकते जिंदगी बीत जाती, शांति नहीं मिलती, असली भगवान का पता नहीं लगता क्या है। इसलिए यथार्थ बोध की जरूरत है। अगर आप यहां से चौक चलें और 10 कदम इधर जाएं, 10 कदम उधर जाएं, पर 10 कदम घूमते रहें, जिंदगी बीत जाएगी, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। चौक का ज्ञान हो किस दिशा में है, कौन रास्ता है, और उसी दिशा में चले, धीरे धीरे चले, पहुंच जाएंगे। इसलिए ज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। आपको पहुंचना कहाँ है, साहेब ने कहा साहेब साहेब सब कहे मोह यदेसा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे के ठौर। सभी साहेब साहेब कहते हैं, साहेब सदगुरु महात्मा परमात्मा भगवान ब्रह्म खुदा गॉड सब कहते हैं, लेकिन मोह अदेसा और
मुझे तो और ही अंदेशा है कि जो साहेब साहेब भगवान भगवान कहते इनको साहेब से परिचय नहीं है। तो बैठोगे किस जगह पर बैठोगे? आपकी भूमिका क्या है? हम भगवान के भगत, बहुत बढ़िया बात है। भगवान क्या है और भक्ति क्या है, इसको आप कभी समझे? राम राम जपते जपते बुढ़ा गए, राम क्या है समझते ही नहीं है। साहब ने कहा, राम नाम जाने बिना भो बूढ़ मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, राम ही जान युक्ति जो चलई। बारम्बार वो जानने को कहते हैं, मान लेना ठीक है मान लो, लेकिन जानो। विवेकवान जानता है तब मानता है, सामान्य व्यक्ति मानता है तब जानता है। लेकिन कितने लोग हैं मान लिए जानने की जरूरत जीवन में नहीं। तो हैं जहां के तहां, वो कबूतर वाली कहानी, सुगा वाली कहानी आप जानते हैं, याद दिलाना है। एक पक्षी फंसाने वाला सुगा को भी फंसाता था, तो उसको मार के खाता नहीं था, वो बेचता था। एक महात्मा ने खरीद लिया और पिंजड़े में रखा और ले गया, उसको पढ़ाया, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। खूब पढ़ा दिया, महात्मा सोचे पढ़ गया अब नहीं फंसेगा, छोड़ दिए। गया जंगल में, यही पढ़ने लगा, और सुगे पढ़ने लगे, सब सुगे ट्रेंड हो गए। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। एक दिन बधिक आया, ये आवाज सुना, वो घबरा गया, ये तो फंसने वाले नहीं, इतने चतुर हो गए हैं। गया पिता से कहा, उसने कहा तूने जाल डाला? कहे डाला तो नहीं, कहे डाल के देख तो। चला डाला उसने जाल, दाने बिखेर दिए, आए सुगे बैठ गए, दाने खा रहे हैं, कह रहे हैं बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। दाने खा रहे हैं, उसने डोरी खींची, सब फंस गए, और सब वही कह रहे हैं, बाजार में जाके बिक रहे हैं और कह रहे हैं बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। तो कहते हैं जानते नहीं। साहब ने कहा, नर के संग सुहा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। कितनी बढ़िया बात है, पंडित बात बदय सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई, पावक गहे पाव जो डाहे तो दुनिया तरी जाई। नर के संग सुहा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। बिन देखे बिन अरस परश, बिन नाम लिए का हुई, धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे, बिन बांधे जमपुर चासी। पंडित बाद बदे सो झूठा, अय पंडित जो तुम बाद बदते हो कि राम राम कहने से मोक्ष होगा, ये बात झूठी। साहब लाग लपेट से नहीं कहते, सीधा कहते थे, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम कहने से जगत के लोग गति पावे तो खाण खाण कहने से मुख मीठा होना चाहिए। भोजन कहने से भूख दूर हो जाए, पानी कहने से प्यास बुझ जाए, आग कहने से पैर गर्म हो जाए। नर के संग में सुहा हरि कहता है, जंगल में जाता हूँ जानता भी नहीं हरि क्या है। धन धन कहने से लोग धनी होते तो दुनिया में कोई निर्धन न रहता। सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी। अब साहब सार बात कहते हैं, हरि भक्तों की फांसी तो यह है कि वे सच्चा प्रेम विषय माया से करते हैं। तो राम राम कहने से क्या होगा? तमाकू नहीं छूट रहा है, राम राम कहते जा रहे हैं। ये भी ठीक है, तमाकू खाओ राम राम तो कहते हो, लेकिन राम राम कहो तमाकू न खाओ ये अच्छा है। देखो पूर्व प्रवक्ता के विचार आप कितना सुंदर सुन रहे थे। नशा से आपको लाभ हो तो नशा लो, कोई हर्ज नहीं है। नशा से किसी का लाभ नहीं है, सबका नुकसान है। और समझदार होकर के नशा ले,
पंडित नशा लेता है, वकील, जज, प्रोफेसर, महात्मा जी दम मारते हैं गांजा का, तब और क्या कहा जाए। तो ये सब नशा से लाभ हो तो लेना बुरा नहीं है, तो हानि है। सांची प्रीत विषय माया सोहरि भक्तन की फांसी, हरि भक्तों की फांसी है जो सच्चा प्रेम विषय माया से करते। काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। साहब कहते एक राम के भजन बिना तुम यमपुर में बांधे जाओगे। राम भजन वे मानते हैं, राम का खंडन नहीं है। कबीर साहब का तो राम परम आराध्य है, लेकिन वो राम वह है जो श्री राम में भी था और रावण में भी था, हमारे में है, आप में, सब में। काहे कबीर ये हरि की भूता, राम रमे थे कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी की पूत में भी रमा है। जो अवध क्षेत्र में राम के लिए कहावत कही जाती है वो बहुत प्रसिद्ध है, वो भी याद दिलाना है। एक राम दशरथ का ढोटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का ढोटा बेटा है, श्री रामचंद्र ये दशरथ के सुपुत्र है जो बहुत प्रसिद्ध महापुरुष है। और एक राम है घट घट लेटा, घट घट या घर घर पाठांतर है, कोई फर्क नहीं। घर घर है तो ही घट घट है, हर घट में जो लेटा है बैठा है आत्मा, एक राम वो है। अब उसमें फर्क यह है कि एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में अपने को खोए, सब कुछ मान रहा है मेरा है, इसलिए दुखी है। लेकिन एक राम है जग से न्यारा, एक राम ऐसा है जो मान लिया कुछ मेरा नहीं, बस सुखी हो गए। तो कुल मिलाकर के अर्थ हुआ तो एक महाराज श्री रामचंद्र हैं जो एक राम है, वे हमारी पूजनीय है, पितामह है, आदरणीय है। लेकिन जो उपास्य राम है वो घट घट में, अब घट घट में होते हुए भी सब राम भूले हैं, अपने को जानते ही नहीं है कि मेरा राम रूप है, राम स्वरूप तुम्हार, ये गोस्वामी जी ने भी कहा। तो आपका राम स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, लेकिन जानते नहीं है, इसलिए जगत पसारा में भूले हैं। पसारा छोटा हो बड़ा हो, अपना अपना राज्य है, छोटी झोपड़ी है, अल्मोनियम की थाली है, कटोरी है, रोटी है, नमक है, उसका राज्य है। किसी की बिल्डिंग है, कार है, बंगले हैं, बहुत रुपया पैसा, उसका वो राज्य है। अपना अपना पसारा, अपने अपने लिए राज्य है, और अपने अपने पसारे में सब जीव भूले हैं। ये पसारे से अपने आप को अलग कर लेना, न्यारा कर लेना, वो राम धन्य है जो अपने को न्यारा कर लेता है। एक राम है जग से न्यारा, वही सफल है जो अपने को मान ले कि मेरा कुछ नहीं है और कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं। ये अंतिम बात है, अब अंतिम तो आना है, आना है। करोरे मनवादिन की तदवीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर, भाव सागर एक अगम पंत है, नदी बात गंभीर, नाव नबेरा लोग घनेरा, केवट है बेपीर, घर तिरिया अर्धंगी बैठी, मात पिता सुतवीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लयके बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, कहे कबीर न रजहू चेतो, माफ होत तकसीर, करो रे मन वादिन की तदबीर। उस दिन की तदबीर करो, अंतिम दिन का, उससे कोई बच नहीं सकता, सबको उस घाट पर उतरना है। और उस दिन की याद करो तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका कोई नहीं, आप किसी के नहीं है। क्या समझ में नहीं आता है? क्या हमारे पितामह और पिता हमारे साथ रहे, क्या हम उनके साथ रहे? ये बात समझ में तो आ जाती है,
इसकी चरितार्थता होती है जब साधना में लगे, रोज अध्ययन करे, एक घंटा कम से कम अध्ययन करो सदग्रंथों का, और ध्यान जितना बन सके आधे घंटा करो, 15 मिनट करो। बहुत व्यस्त लोगों को इतना करना चाहिए। जो मेरा फार्मूला हो तो आप जानते हैं, जवानों को एक घंटा समय 24 घंटे में अपने अध्ययन ध्यान के लिए निकालना चाहिए, और 40 वर्ष के ऊपर वालों को 2 घंटे, और 50 के ऊपर वालों को 3 घंटे, और 60 के ऊपर वालों को कम से कम 4, और अधिक से जितना बने, क्योंकि 60 में तो रिटायरमेंट हो गया है। तो जब आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सेवा तो उसकी जड़ है, सेवा भाव नहीं होगा तो कुछ साधना नहीं बनेगी। जो सेवा नहीं करता है, 1000 ज्ञान सुने वो बह जाएगा। सेवा होनी चाहिए। तन है, तन से सेवा करो, किसी की सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, वचन से सेवा, ज्ञान से सेवा, विद्या से सेवा, चिकित्सा से सेवा, दवाई से सेवा। सेवा के बिना तो चित्त शुद्ध ही नहीं होगा। झाड़ू बिना लगाए, लीपे पोते बिना, धो धा करके फिट किए बिना किसी महापुरुष को अपने आंगन में कैसे बैठा होगे? राम इतना पवित्र, सेवा के बिना चित्त शुद्ध ही नहीं होगा तो राम का आगमन वहां कैसे हो सकता है? इसलिए सेवा सबसे बड़ी चीज है। सेवा हो, परिवार की भी सेवा बहुत जरूरी है, फिर पड़ोस का जो बन सके, फिर और जितना बन सके। सेवा के 3 स्थल है, पवित्र आत्मा, असमर्थ और सार्वजनिक संस्थान। पवित्र आत्मा, उसी को हम दूसरी भाषा में संत विद्वान कह सकते हैं, और असमर्थ, किसी कारण से जो किसी विषय में असमर्थ है उनका सहयोग, और सार्वजनिक संस्थान, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे चिकित्सा संस्थान हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, संत संस्थान हो, जहां से बहुतों की सेवा होती हो वहां करना। सड़क, अब देखो एक सज्जन ने वहां कॉलोनी गांव से जहां जहां नाली टूटी थी सब में पाइप डाल करके सीमेंटेड बढ़िया कर दिया, ऊंचा नीचा था वहां मिट्टी पटवा दिया, और एकदम गाड़ी आने लायक सुंदर हो गया। फिर उन्होंने बिजली लाई और काफी खर्च किया, खंबे तो यहाँ थे ले गए, गाड़ दिए, वायर लगा दिए, और उन्होंने काफी उसमें खर्च किया। मैं तो समझता हूँ 15-20 हज़ार से कम नहीं खर्च हुआ होगा। अब वो बिना पूछे देखे कि जरूरी है, वहां से यहां तक सब काम कर दिए। अब ये धन का अच्छा उपयोग है, जिसके पास धन हो ऐसा काम करना चाहिए। धन सबके है, जितना हो, कोई पैसा है पैसा सही, कौड़ी है कौड़ी सही, तन मन धन विद्या बुद्धि ज्ञान चिकित्सा औषध जितना जिससे बन सके सेवा परायण रहो। धन छुटेगा तन छुटेगा, रहेगा कुछ नहीं, उसका अच्छा उपयोग करो, तब चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त हो फिर अध्ययन और ध्यान चिंतन में लगो, तब ये ज्ञान देर तक ठहरेगा। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, जीव अकेला आया अकेला जाएगा, असंगो एवं पुरुष है, आत्मा असंग है, अनासक्ति साधना है, असंगता बोध है। ये चीज तब ठहरेगी जब निरंतर साधना चलेगी। मौत तो सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन कितना समय याद रखते हैं? 4-4 महीने होते हैं भावपूर्वक मरण का, आदमी याद नहीं करता है तो कैसे मन निर्मोह होगा? जब रोज सेवा स्वाध्याय साधना में लगा जाएगा तब ज्ञान चरितार्थ होगा, तब दिमाग में ठहरेगा, तब मन शोक से मुक्त होगा। चिंता में सब जीव जलते हैं और बिला काम का जलते, कोई जरूरत नहीं है जलने की, खा रहे आगे भी खाते रहेंगे, विश्वास करें। रोग लगेगा तो चिकित्सा हो जाएगी, दवाई हो जाएगी, आपके कोई आश्रय न होंगे, आश्रय मिल जाएंगे, अचानक हो जाएंगे,
जिनके लिए तैयारी करो वो सहारा न कर सकते हो सकता है, और जिनको कभी आप सोचे ना हो वो सहारा देने आ सकते हैं। इसलिए चिंता तो बिल्कुल ही मत करो, निश्चिंत रहो, निष्फिक्र रहो, अपना काम करते रहो। और ये समझ लो, जैसे मैंने अपने लिए कहा तैसे आप सब समझो, आपको बहुत मिले तो आपका कोई लाभ नहीं होगा, कोई ना मिले तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जहां से कल्याण होना है वहां मिलो, जहां से दुख दूर होना है वहां मिलो, और दुनिया की वस्तुओं के घटबड़ में आपका कोई हान लाभ होने वाला नहीं है। और हान की बात जो है, मिटने की बात कोई रोक नहीं सकता है। जब जिनको उठ के जाना होगा क्षण पल में चल देंगे, आप रोते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और जो गुजरना होता है गुजरता है, जो अपने बस में नहीं उसके लिए सोचना हद दर्जे की भूल है। इसलिए उस पर सोचो ही मत, सोचो अपने कल्याण की बात, अपने मन को शुद्ध करने की बात। कई बार बादल आते हैं, यहां का अधिवेशन होता है, खूब घनघोर बादल। एक बार तो पंडाल पूरा बन गया, वहां प्रीतम नगर कॉलोनी में था, पंडाल बन गया, सब सज गया, और घोर बादल दिन ही में अधियारी जैसे। कई लोग आओ कहें साहब बना तो बड़ा बढ़िया है लेकिन पता नहीं क्या होगा। हमके होगा क्या, पानी बरसेगा तो पानी बरसेगा, और क्या होगा। जो हमारे भक्त आएंगे वो स्टेशन पर नहीं रुकेंगे, बेगते बेगते यहाँ आ जाएंगे, आएंगे बैठेंगे रहेंगे खाएंगे पिएंगे, नहीं प्रवचन होगा पंडाल में, नहीं होगा, मिले जुलेंगे चले जाएंगे, होगा क्या। कैसा है आप ऐसा सोचते हैं, हमके दुख न चाहो तो आप भी ऐसा सोचो, बादल को जाओ रोक दो फाड़ दो, और फाड़ नहीं सकते तो सोचते क्यों, अपना काम करो। तो बिला वजह की बात हम सोचते हैं, बूढ़े हो गए, क्या बूढ़े बूढ़े रट रहे हो, शरीर बूढ़ा हो गया, आप ना बूढ़े हैं ना जवान है, विवेकी रहो, अपने क्षेत्र की बात करो, प्रकृति के क्षेत्र की बात ना करो। कोई जन्मता मरता उसकी बात मत करो, तो उस दुनिया का स्वभाव है, घटबड़ है। एक सेठ जी महात्मा के भक्त थे, गए सेठ जी, तो ऐसे हो गए थे, सेठानी प्रेमी थी तो सेठानी के नाते सेठ भी दीक्षा ले लिए थे। महाराज जी कक्ष में निवास पाए, सेठ जी मिलने आए, कुशल पूछा, कहा महाराज इस वर्ष घाटा हुआ है व्यापार में। अब शिष्य को घाटा हुआ तो गुरु को भी गमगीन थोड़ा हो ही जाना चाहिए, नहीं तो उससे सोचेगा कि इनको तो कोई दर्दे मया नहीं है। तो गुरु महाराज चुप हो गए, फिर वापिस चले गए सेठ जी। फिर सेठानी मिलने आई, कहे कुशल मंगल, कहे महाराज सब बढ़िया है, मुनाफा अच्छा हुआ है। कहे सेठ तो कहते थे घाटा हुआ है। कहे उनका गणित अलग है, हमारा गणित अलग है। गत वर्ष में 1 करोड़ का लाभ साल भर में हुआ था, इस वर्ष 95 लाख का लाभ हुआ है, तो 5 लाख लाभ नहीं हुआ गत वर्ष की अपेक्षा, तो उसको एक घाटा मानते हैं। और 95 लाख का जो फायदा हुआ है उसको नहीं कहते हैं। तो अब इस प्रकार दिमाग वाले को कभी शांति मिल सकती है। चाम में सिकन आ गई, अब रो रहे हैं तो क्या करोगे सिकन को, बाल पक गए हैं, काला करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो अपने को धोखा देते हैं। काला मत करो, जिसके बाल उजले हो उजले होने दो, उजला तो शोभा है। तो चिंता से मुक्त होने की दवाई ये संतों की वाणियों में है, ज्ञान में है, उसका आचरण करें। तो पहले तो बोध यथार्थ होना चाहिए कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप देह नहीं है, आपका स्वरूप शुद्ध आत्मा है, चैतन्य है, अमर आत्मा है, वो अजर अमर और नित्य शुद्ध बुद्ध है। और आप यहां जो आ गए हैं संसार में, आप ये समझें केवल अपने कल्याण के लिए आए हैं, कल्याण करने के लिए। कल्याण का अर्थ है निश्चिंत मन, प्रसन्न मन, आनंद मग्न मन, भय नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, क्लेश नहीं। और ये
काम करने का आप स्वतंत्र अधिकारी हैं। सुंदर विवेक रखें, सुंदर जीवन जिए, किसी से लड़े ना, झगड़े ना, विरोधी हो सिर झुका करके अलग हो जाए। आपका ही साथी आपको धोखा दे दे तो शिकायत ना करो, उसकी समझ थी। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आप अपने को धोखा देते हैं। आप अगर मोह करते तो धोखा देते हैं, सेवा कर दिए तो उसमें धोखा क्या, सेवा कर दी बढ़िया हो। वो जिसमें आनंद माने करे, कभी शिकायत ना हो। शिकायत होती है अपनी दुर्बलता से, आसक्ति के कारण शिकायत होती है। रोता रोता आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। ये कोई जिंदगी? बहुत पढ़े, क्या हुआ पढ़ने से? बड़े धनपति हैं, कोई मतलब नहीं। बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता। बड़े आलिम फाजिल हैं, ज्ञानी हैं। फाजिल का अर्थ अतिरिक्त भी होता है और फाजिल का अर्थ विद्वान भी होता है। फाजिल, फादिल, जिसको अपभ्रंश में फादिल कहते, ये चीज फादिल है, शुद्ध शब्द है फाजिल। फाजिल नाम अतिरिक्त और फाजिल नाम ज्ञानी, उच्चारण वैसे ही। बड़े आलिम व फाजिल हैं, बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। नादान जैसे कर्म करता है उनका कर्म है। बड़े विद्वान हैं लेकिन दिन भर में 50 बीड़ा पान खाते, तमाकू खाते, सिगरेट पीते, सुगनी सूंघते, और आजकल तो नए नए रेडीमेड नशा की वस्तुएं चल पड़ी। तो पढ़ने लिखने से क्या होगा? बड़े विद्वान हैं, इंद्रियों की उत्तेजना में बड़ा आनंद आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। त्याग के बिना त्याग की शक्ति बढ़ नहीं सकती है। अपने को उत्तेजित करते करते बुढ़ा जाओगे, नरक के सिवा कुछ नहीं। उत्तेजना दूर करो, संयमी बनो। एक दो संतान हो जाए, आप तो दो भी नहीं कहना चाहिए, एक काफी है। एक संतान हो जाए, ब्रह्मचारी बन जाओ। अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत है। पढ़ लिख करके क्या होगा? आचरण नहीं सुधरेगा, कर्म नहीं सुधरेंगे। लड़ रहे हैं, पत्नी से लड़ रहे हैं, बच्चे से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, भगवान के लिए बड़ी तड़फन है और इंसान से दुश्मनी है। और इंसान छोड़ करके आज तक कभी भगवान आपको मिला है? चारों तरफ हमारे भगवान हैं। देखो कितने भगवान बैठे, ये सब देवी देवता, भगवान भगवती, इतने प्यारे प्यारे, इनसे भी कहीं अलग भगवान मिल सकता है? लेकिन इनमें हमें भगवत बुद्धि नहीं है, इनको तो ठगना। अगर हम दुकान पर बैठे हैं तो वहां ठगेंगे, ऑफिस में बैठे हैं तो वहां ठगेंगे, और अगर धर्म की गद्दी पर बैठे हैं तो वहां ठगेंगे। धर्म की गद्दी पर कम ठगाई नहीं है, बहुत भयंकर ठगाई है। वकील, व्यापारी और राजनेता बदनाम है अपनी झूठाई के लिए। वकील बहुत झूठ बोलता है, नेता बहुत झूठ बोलता है, व्यापारी बहुत झूठ बोलता है, वो बेचारा बदनाम है। और ये धार्मिक गुरु बाबा लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है। एक जोगी महाराज, इसको मैं मेले में सुनता हूँ, आए थे जो आकाशगामी थे, चित्र छपाए थे आकाशगामी का। तो एक वकील ने उनसे कहा कि महाराज आपका मैं आकाशगमन देखना चाहता हूँ। कहे उसमें 40 दिन की साधना लगती है। कहे ठीक महाराज, मैं आपके साथ रहूँगा 40 दिन। कहे ऐसा है कि 30 वर्ष के पहले उड़ा था, इसलिए समय लगेगा। महात्मा जी आकाश में उड़ते, महात्मा जी खाते नहीं है, महात्मा जी टट्टी नहीं जाते, महात्मा जी सब जान जाते हैं, और महात्मा जी जो कह दे वही हो जाएगा। महात्मा जी ने पेड़ को ऐसे किया तो उखड़ करके उधर चला गया,
ट्रक को ऐसे उंगली उठाई तो ट्रक उलट गई। मैं यहां गया शेख तकी के कब्र पर। शेख तकी बहुत बड़े सूफी संत हो गए हैं कबीर साहब जमाने में, तो उन्होंने कबीर साहब से मुलाकात हुई। कबीर साहब ने खूब कहा है उनको, सुनो तकी तुम शेष, फटकारा। शेख तकी अपने में महान संत थे, उनकी कब्र पर गया। बीजक में तो टीका लिख दी थी बहुत पहले, तो गया देखने तो वहां मियाँ जी थे। मैंने कहा बताइए भाई शेख तकी के विषय में, बहुत बड़े संत थे, इनके पिता तो और बहुत बड़े संत थे। उन्होंने तो एक बादशाह जो कि बहुत गलत था, तो ऐसे हाथ चमकाया तो उसका पूरा किला उलट गया। हम कहे ये कैसे उलट जाएगा, कहे बिल्कुल उलट जाएगा, मैंने ही ऐसे ट्रक को किया तो ट्रक उलट गई थी। मैंने कहा अच्छा तो आप करके दिखाइए कुछ, कहे आप कहिए तो मैं अभी ऐसे करूं तो पेड़ उखड़ करके उधर चला जाएगा। हम कहे दिखाइए, कहे हाथ मिलाइए। मैंने कहा लीजिए, हाथ मिलाए तो हंस करके कहते अच्छा फिर कभी। शायद सोचे होंगे हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये साधु महात्मा हैं, हम मियाँ हैं तो हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन भाई हम तो ये नहीं मानते। एक मुस्लिम लड़का साधु हमारे पास 20 वर्षों तक रहा, हमारी रोटी बनाता था। एक ईसाई लड़का 3.5 वर्षों तक रहा, हमारी रोटी बनाता था। मैं जात पात नहीं मानता हूँ, आप लोग मुझे आजाद मान के छोड़ दे तो कोई परवाह नहीं, मैं मनुष्य मानता हूँ। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ बढ़ाया, हाथ मिला लिया। अब बेचारे लाचार पहुंच करके कहते हैं अच्छा फिर कभी। धार्मिक बदमाशी इतनी है। हमारे गुरु महाराज जिला दिए, मैं कुंभ मेले में था हरिद्वार के, एक ने कहा हमारे गुरु जी ने जिला दिया था एक को। मैंने कहा ठीक है। तो रास्ते में चलते फिरते कई कीड़े मरे दिखाई देते हैं, एक कीड़ा ले लिया जाए मरा हुआ, मारो ना, मरा हुआ कीड़ा लेकर के उनके पास चला जाए, रख दिया जाए और कहे महाराज जिला दो, तो मान लिया जाएगा अगर जिला देंगे तो बस चुप कर उठ करके चल दी। कोई मुर्दे को जिला नहीं सकता, मच्छर को भुनगा नहीं बना सकता, हाथी को भुनगा और भुनगा को हाथी नहीं बना सकता, कोई किसी के लिए अंतर्जामी नहीं हो सकता। चमत्कार की जितनी बातें हैं सब धार्मिक बदमाशी है, और इसमें सब धार्मिक उलझे। आप लोग अंगूठियों के बड़े प्रेमी, शिक्षित और धनी, इनको फंसाने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि शिक्षित और धनियों से फिर मिलता है कुछ, गरीबों से क्या मिलेगा। इसलिए अंगूठियां ये शिक्षित और धनियों में ज्यादा खपत होती, करीब 95-97% अंगूठियां ये धनी और शिक्षित पहनते हैं, और उसमें उंगली खराब होने के सिवा और कुछ फायदा नहीं, और गंदगी जमेगी, उसी हाथ से भोजन करना। ये देवियां रोटी पकाती हैं, ध्यान दे देवियां, कोई अंगूठी मत पहनो उंगली में, इससे गंदगी जमती है, और उसमें ग्रह नक्षत्र सब लोग बांधे रहते हैं, क्योंकि सब पर विजयी होना है, भूत प्रेत ना लग जाए, जादू टोना ना लग जाए, ये धातु ये नग पहनो तो ये कल्याण होगा, सब धोखा है, कुछ नहीं, साफ सुथरे रहो। आपको कोई कुछ तकलीफ नहीं दे सकता है, वायु में कोई देवी देवता और शैतान नहीं उड़ रहा है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे, आपकी करनी आपके साथ है, अपनी कमाई आपका, ना माई ना बाप का, पवित्र कर्म करो और निर्भय रहो, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन मुहूर्त नक्षत्र और शकुन अपशकुन छींक दिशाशूल, इन सारे प्रपंचों में कहीं ना उलझो, निर्भय रहो, तो यथार्थ ज्ञान हुए बिना भटकाव बहुत है। चमत्कारी बातें सब फादिल है। योग दर्शन का भाष्य भी मैंने किया है। गत वर्ष में वर्षा में एक अज्ञात युवक का पत्र आया था, तो फिर मैं प्रेरित हुआ और उसको लिखा कुंभ मेले के बाद, और छप गई वो 1-1.5 महीने पहले, वो प्रकाशित है, उसकी बहुत सारी प्रतियां निकल भी गई होगी, 200 पृष्ठों की है। योग दर्शन में विभूतिपाद चमत्कारी बातें भी हैं, उस पर मैंने खूब जम के लिखा है,
साधना की पुस्तक बहुत बढ़िया है, योग दर्शन 200 पृष्ठों की कुल है, पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। और साधना का भी विषय है, साथ साथ चमत्कारी वादों का खूब पर्दाफाश है। और ये हिंदू के शास्त्रों का, शास्त्रों में से ये एक शास्त्र है, 6 शास्त्रों में योग दर्शन जो साधना परक है। तो जहां तक साधना का विषय है, जो नाद ज्योत बिंदु चित्र सांस पर ध्यान करने की बात बताई जाती है, वो मन ठहराने के लिए है। पहले तो अभ्यास हो कई मन ठहरने के लिए, जब ठहरते ठहरते एकाग्रता आ जाए तब आगे बढ़ा जाता है। योग दर्शन में ये बातें बताई गई है, सद्गुरु कबीर के सहज समाधि में ये बातें बताई गई है। पहले एक बात पर ध्यान दे, क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियां, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियां। क्षिप्त का अर्थ है अत्यंत रजोगुणी मनोधारा में बहते रहना, जवानी सौंदर्य स्त्री पुत्र परिवार सम्मान प्रतिष्ठा पूज्यता, इन सब बातों को लेकर के अत्यंत रमणीय कल्पनाओं में डूबे रहना, जो एक दिवा स्वप्न है। चित्त में अगर इस प्रकार रजोगुणी भावनाएं बहती हैं तो ये चित्त की क्षिप्त अवस्था है। दूसरी मूढ़ अवस्था, जब कुछ करने का मन नहीं होता, एकदम ठंड। और तीसरी विक्षिप्त अवस्था है, इसमें रजोगुण और तमोगुण काफी शांत रहते हैं, सतोगुण का प्रकाश रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण जोर मारता है, बीच बीच में काम लोभ मोह की तरफ चित्त खींचता है। इसका विस्तार मैंने योग दर्शन में सब दिया है। योग दर्शन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भी भाष किया गया है। तीसरी अवस्था है एकाग्र की, उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सतोगुण का प्रकाश रहता है। और केवल सतोगुण का जब प्रकाश रहता है तो साधक जिस आलंबन में मन ठहराना चाहता है एकाग्र कर देता है, बैठेगा और आंखें बंद करेगा, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई देगा उसमें मन ठहर जाएगा। या सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराया उसमें ठहर जाएगा, जिस आलंबन में उठाना चाहेगा ठहर जाएगा। ये एकाग्र अवस्था है। और अंतिम है निरुद्ध। निरुद्ध का अर्थ है चित्त शून्य हो जाना, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध, सारी वृत्तियों का विलय हो जाना। तो वहां कोई आलंबन नहीं, आलंबन शून्य। जैसे गुरु के चित्र में मन को रोके ये आलंबन है, ज्योति में मन को रोके आलंबन है, नाद में मन को रोके आलंबन है, सांस पर मन को रोके आलंबन है, बिंदु में मन को रोके आलंबन है। लेकिन जब चित्त ही लीन हो गया, चित्त ही नहीं है, चित्त वृत्तियां शांत हो गई, तो सारा आलंबन खत्म हो गया, वो निराधार अवस्था है। इसको कहते असंप्रज्ञात समाधि योग दर्शन में। योग दर्शन में कई समाधियां बताई गई हैं, लेकिन अंत में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में विभाजित किया गया है। संप्रज्ञात का अर्थ है अच्छी तरह से जाना हुआ। तो अगर हम ज्योत में ध्यान करते हैं तो ज्योत जानी हुई है, ज्योत ज्योत को देखेंगे तभी तो ध्यान करेंगे। नाद का ध्यान करते तो नाद सुन रहे हैं, तो संप्रज्ञात है। ऐसे कोई भी आधार में मन ठहरा है वो संप्रज्ञात है। जब चित्त बिल्कुल लीन हो गया ये असंप्रज्ञात है, कुछ ज्ञात नहीं, चित्त ही लीन है तो वहां जानने कोई बातें नहीं है, एकदम शांत अवस्था है। जागृत अवस्था है किंतु निरांत शांत अवस्था है, ये असंप्रज्ञात समाधि। सद्गुरु कबीर की भाषा में सहज समाधि। सहज क्या, इतने लोग यहां बैठे हैं, सहज नहीं, कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई सांवला है कोई गोरा है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई विद्वान है कोई अविद्वान है,
इसलिए असहजता, लेकिन सबके अंदर में चेतना है इसलिए सहज है। चेतना सहज है, ज्ञान तत्व सहज है। स्त्री आंखें बंद करे तो अंदर में क्या है? चेतन। वो चेतन तो है, पुरुष चेतन है, बालक चेतन है, बूढ़ा चेतन है। तो जो आपका असली स्वरूप है आत्मा, वो चेतन है, वो सहज है, सब में एक समान है। उस अपनी चेतना में लीन हो जाना सहज समाधि। जब तक हम वृत्त में चलते हैं तब तक बहिर्मुख है। वृत्त शांत हो गई, वृत्त लीन हो गई, सहज समाधि हो गई, संतोष सहज समाधि भली। तो अंतिम जो लक्ष्य है वो है स्वरूप स्थित परमात्मा को पाने की बात जो है। वेदों में परमात्मा पाने की बात तो मैंने जहां अध्यात्म की बात है कहीं नहीं पाई। वैसे वेदों में कर्मकांड है, व्यवहारिक बातें, अथर्ववेद में व्यवहारिक। मैं तो कल भी कहा था, इस समय मैं वेदों पर लिखता हूं और उसमें काफी मैंने 700 पृष्ठ लिख डाला रजिस्टर साइज में, और अभी काफी लिखना है। जो होगा जितना लिख देता उतना पूरा समझता हूं। आज भी सुबह लिखा कुछ, इस भीड़ में मैं सुबह कुछ लिखा करता हूं। तो ये उसमें व्यवहारिक बातें हैं और प्रकृति की बातें और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। अध्यात्म की बातें बहुत कम है, लेकिन जहां है वहां किसी परमात्मा को के दर्शन की बात नहीं। जहां तक अध्यात्म की वैदिक पुस्तकें हैं वो उपनिषदें, उपनिषदों में कहीं भी परमात्मा के दर्शन और पाने की बात नहीं है, आत्म साक्षात्कार की बात है। जैसे केन उपनिषद को उठाओ, यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्नेदम यदम उपासते। जो मन में नहीं आता किंतु जिसकी सत्ता से मन माना हुआ है उसको तो ब्रह्म जान, और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं। मन से जो मानते हो ब्रह्म नहीं है, किंतु जो मन को मानता है वो ब्रह्म है। मन को कौन मानता? आत्मा। आप ब्रह्म है, मन नहीं ब्रह्म है। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंश पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्नेदम यदिदम उपासते। जिसे आंखें नहीं देखती हैं किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान, आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। ऐसे अनेक मंत्र कहे गए। जो देखने में सुनने में आता वो ब्रह्म नहीं, जो देखता और सुनता है वो ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। और अपने आप में स्थित होना ब्रह्म को पा, ब्रह्मलोक कहाँ है? आत्मलोक ब्रह्मलोक है। तस्यायम आत्मायम लोक है, ये याज्ञवल्क ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। तस्यायम आत्मायम लोक है, उसके लिए आत्मा ही ब्रह्मलोक है। एतमेव लोक मविप्सन्त प्रवाजिन प्रवजन्ति। इसलिए वह उस आत्मलोक को प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाता है। घर से बेघर होने की जिसकी स्थिति आए वो हो, सब घर से बेघर ना हो। घर में तो रहने पड़ता है, इसलिए पिनक में आकर के घर कोई न छोड़े, घर में रहे, साधना करे। जिनकी ऐसी स्थिति आ जाती है सब मोह मिट जाता है, ऐसा हो जाता है, हो जाता है। तो ऋषि कहते हैं कि तस्यायम आत्मायम लोक एतमेव लोक मविप्सन्त प्रवाजिन प्रवजन्ति प्रवजन्ति। वो प्रवजन, वो प्रवर्जित हो जाता है, घर द्वार त्याग करके विरक्त हो जाता है। तो यहाँ खास बात यह बताने कहा कि तस्यायम आत्मायम लोक, उसका आत्मा अपना लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, गोलोक, सतलोक कहाँ है? आत्मलोक है। बाहर तो केवल रूपक है पुराणों में, और रूपक में उलझ जाते हैं लोग। तो इस आत्मलोक को प्राप्त करना तो क्या है, बस मन शांत हो जाए, प्राप्त हो गया। मन को शांत कर दो, ब्रह्मलोक पा गए। ब्रह्मलोक तो अपना ही लोक है, अपना आपा ही है। आप ब्रह्मलोक को लेकर के ही घूम रहे हैं हर जगह। आप ब्रह्मलोक से अलग वंचित हो ही नहीं सकते, लेकिन समझ नहीं है। इसलिए धनी आदमी घूर पर दाने बीन रहा है। ज्ञान हो जाए तो धनी है। आप सम्राट,
अपनी आत्मा को समझे, वासना को छोड़े और आत्मा में स्थित हूं सम्राट, तो जो पाना है आपको वो बाहर से कुछ नहीं पाना है, नित्य प्राप्त है। समझना है और ठहरना है। सदगुरु ने इसको बारंबार कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, हृदय बसे ते ही राम न जाना, पानी में मीन पियासी मुई सुन सुनी आवत हांसी, घूंघट कापट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वही साई बसत है कटुक वचन मत बोल रे। ये घट घट में साई बसता है। साहेब बारंबार निर्देश करते हैं, आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा को निष्काम करो, निर्मल करो और दूसरे की सेवा करो। समाधि में आओ तो निर्गुण उपासना है, आंखें खोलो बाहर है सगुण उपासना है, दूसरे की सेवा करो ये सगुण उपासना है, और मन का निग्रह करके आत्मलीन हो ये आत्म सेवा है। तो जो साधक पूछते हैं ज्योति नाद बिंद इत्यादि का ध्यान, वो क्या है? ज्योति नाद बिंद सब जड़ है, उसके दृष्टा श्रोता आप है, वो केवल मन को ठहराने का साधन है, वो आपका लक्ष्य नहीं। आपका लक्ष्य तो आपका स्वरूप है, आपका आत्मा है, आपका अस्तित्व है। इसलिए अंतिम अवस्था होगी मन का संकल्प शून्य हो जाना, और ये आप घबराए ना, ये कल्पना से नहीं कहा जा रहा है, न किताब में पढ़ के कहा जा रहा है, ये तथ्य है और ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो शर्त है, एक तो अनासक्त होना, एक दूसरी बात अभ्यास करना। अनासक्त नहीं होंगे तो ये इसमें प्रगति नहीं होगी, अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होगी। अनासक्त होने में पहले सारे दुर्व्यसनों का त्याग, संयम नियम से चलना, अनासक्ति वही सब है। जहां रहते हो सबके प्रति सेवा भाव रखो, कर्तव्य करो, लेकिन अनासक्त रहो। जितनी अनासक्ति पक्की होगी इस राम के दरबार में प्रवेश होगा। कबीर साहब ने कहा, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोय, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तोय। कबीर साहब की वाणी और वेदों की वाणी दोनों में बुझौल बहुत है। इस समय वेदों को लिखता हूं तो और आता है सामने सामने, इतने मोहक मोहक उसमें रूपक आते हैं, क्या पूछना। दो माताओं का एक बच्चा है जो दोनों के बीच में खेल रहा है। अब आप सोचोगे तो पागलपन की बात है, एक माँ के दो बच्चे हो सकते, दो माँ का एक बच्चा नहीं होता है। लेकिन ऋषि कहते दो माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेल रहा है। दो माता कौन है? द्यावा पृथ्वी, द्यावा देव चमकने वाला, ऊपर का मंडल सितारों का मंडल, और पृथ्वी इसके बीच में सूरज खेल रहा है, सूरज बच्चा। तैसे कबीर साहब की वाणी में मोहक मोहक रूपक आते हैं, और वास्तव में काव्य में ऊंचा काव्य माना जाता है जो लाक्षणिक हो और व्यंजनात्मक हो, वर्णनात्मक नहीं। तो वेदों के वचन में भी लाक्षणिकता बहुत है, और कबीर साहब की वाणी में तो आप लोग पढ़ते हैं जानते हैं कितनी लाक्षणिकता है, पंडित लोग अर्थ नहीं लगा पाते हैं। तो साहब कहते, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोय, अय राम तेरे दरवाजे पर मैं आ गया हूं, आ करके मिल। तो कहा, महाराज जब दरवाजे तक आ गए तो अंदर आ जाओ। साहब ने कहा, नहीं भाई, तय तो सब में मिल रहा, तू तो सब में मिला, मैं न मिलूंगा तो तू सबको छोड़ मेरे पास आ तब मिलूंगा। तो ये सब रूपक है, लक्षण लाक्षणिक अर्थ है। गुरु आकर के आपको उपदेश करते हैं, लेकिन आप उस उपदेश में तब ठहरेंगे जब किसी से न मिले। तो सब में मिल रहा, तू सब में मिल रहा है तो मुझसे क्या मिलेगा, आत्मा से क्या मिलेगा, राम से कैसे मिलेगा। राम से मिलना हो तो सबसे मिलना छोड़ दे। अभी लाक्षणिक है, इसका मतलब नहीं आपके तरफ जब कोई आवे तो उसका नमस्कार न करो, पानी न पूछो। यहां मिलने का अर्थ है मोह करना, चिपकना, आसक्त होना। आसक्ति दूर किए बिना कोई समाधि में नहीं पहुंच सकता है। अब अभ्यास, इसीलिए योग दर्शन में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध,
अभ्यास और वैराग से चित्त का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग से जब निरोध होता है तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित होती है। चित्त शांत हो गया, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब आपका पारक सिद्धांत और योग दर्शन में क्या फर्क है? एक ही बात है। इसीलिए पारक को मैं नहीं मानता हूं कि पारक एक काल से है, पारक सब समय, क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारक है, परक है, और पारक सदा से, और सदैव पारक शब्द कहे चाहे न कहे, लेकिन सत्य के विचारक सब समय रहे हैं। इसलिए अपने विचार को सीमित मत बनाओ। तो जिसे आपको, जो आपको पाना है, न तो बाहर से कहीं परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है, न सुख पाना है। जब मन निर्मल होगा, एकाग्र होगा, तब राम के दरवाजे पाप पहुंच गए, और जब निरुद्ध होगा बस राम के भवन में एकाग्रता उसका दरवाजा है, और निरुद्ध उसका भवन है। एकाग्रता के लिए ये नाद वेद, नाद बिंद ज्योति इत्यादि का अभ्यास चलता है, लेकिन जब शक्ति बढ़ गई और चित्त निरुद्ध हो गया बस आत्मा स्वयं है, पाना क्या है? जिसका चित्त, जिसकी चित्तवृत्ति लीन हुई, आत्मलीन हुआ व्यक्ति, परम सुख मिल गया, परब्रह्म मिल गया, परमात्मा मिल गया, राम मिल गया, जो आप बड़ा बड़ा से शब्द कहना चाहें, उसकी चरितार्थता आत्मलीनता में है। इसलिए इन निर्णय वचनों पर ध्यान देना चाहिए। ग्रंथ आप पढ़ें, पारक सिद्धांत के ग्रंथों को खूब मनन करें, ग्रंथ पढ़ें, सत्संग करें, और ये न सोचे कि हम तो ऐसा मानते थे। अब मानते हैं तो मानते बैठे रहो, विचारो, चिंतन करो, और निश्चित है सत्य का बोध होगा और कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।